हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ निधि आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी सिम्टम है और जो पी एम एस सिम्टम है यानी कि पीरियड्स आने के पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो समहाउ सिमिलर से होते हैं इसलिए तो हमको कन्फ्यूजन होता है कि क्या है ये तो उसी को मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूँ थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो पाए कि ये प्रेगनेंसी सिम्टम है या फिर आ, पीरियड्स के सो विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं ब्रेस्ट पेन के बारे में जो कि आपको पीएमएस में भी होता है और आपको प्रेगनेंसी में भी होता है तो क्या डिफरेंस है आप कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे कभी भी ब्रेस्ट पेन नहीं होता है और आपको इस बार हो रहा है तो ये हाईली चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी है आ, जैसे मुझे अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को पहले कभी भी ब्रेस्ट पेन टेंडर ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी जब मेरे पीरियड्स चला करते थे तब कोई ऐसा सिम्टम मुझे नहीं होता था बट जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तब मुझे ये सिम्टम हल्का फुल्का महसूस हुआ था तब मैंने नोटिस तो नहीं किया था बट बाद में मैंने जब ये चीज़ नोटिस की कि मुझे इस वजह से ये हो रहा था तो इसीलिए आप अगर कंसीव करने के प्लान कर रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए अपने सिम्टम्स में अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम जो आपको रेगुलरली आपके जो पीरियड्स रहे उसमें नहीं फील हुआ और इस बार हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है लेकिन आज हम ब्रेस्ट पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट पेन में भी यही चीज़ें सबसे पहला तो यही हो गया कि अगर आपको कभी नहीं हुआ इस बार हो रहा है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी है अगर आपको हर बार होता है तो आपको उसकी इंटेंसिटी चेक करनी है कि हर बार कितना होता है और इस बार ज़्यादा अगर हो रहा है तो भी चांस है कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको नोटिस करना है आपका जो भी पीरियड साइकिल है उसके मिड में आधा मतलब अगर 28 या 30 डेज़ की साइकिल है तो 15 के बाद से मतलब सिक्सटीन डे से आपको चेक करना है कि आपको ये पेन कब से स्टार्ट हुआ है अगर आपको ये आ, मतलब वन वीक के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है मतलब मिड से वन वीक जैसे कम्प्लीट हुआ उसके बाद से पेन स्टार्ट हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी का ही ये सिम्टम हो सकता है क्योंकि जो पीरियड्स की वजह से आपको ब्रेस्ट पेन होता है वो आपको मुश्किल से पीरियड के जस्ट पहले स्टार्ट होता है मतलब दो या तीन दिन पहले स्टार्ट होता है और तो उसके दो या तीन दिन बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आपके सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं आपका पेन जो है वो ख़त्म होने लगता है लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से है तो आपका ये करीब फाइव टू सेवन डेज तक बढ़ता ही रहता है मतलब वो पेन जो है वो एग्जिस्ट रहता है कम नहीं होता है वो बढ़ता जाता है आपको टेंडरनेस की प्रॉब्लम होती है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है आपका जो इनर गारमेंट आपने पहना है वो थोड़ा आपको टाइट जैसा महसूस हो सकता है दर्द हो सकता है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कंटिन्यू रहती है अप टू सेवन डेज तक तो इट मीन्स कि आपकी प्रेग्नेंसी हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो तो ये सिम्टम है पीरियड्स के जो भी सिम्टम होते हैं वो पीरियड के जस्ट पहले आते हैं आपका मतलब जो भी साइकिल आने वाली है थर्टी डेज की अगर साइकिल है तो आपको अराउंड ट्वेंटी सेवन डेज से ये चीज़ें स्टार्ट होती है और फिर आपका जो डेट है वो आ, आ जाती है आपके पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं बट अगर पीरियड्स नहीं आए और आपको मोर देन फाइव टू सिक्स डेज हो चुका है तो चांसेस है कि आपका ये जो सिम्टम है वो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है तो आप अपनी चीज़ों को ट्रैक कीजिए और इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका इंटेंसिटी और टाइप ऑफ पेन जो है वो पहले कैसा होता था और इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसके हिसाब से जज कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं जब तक आप टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता तब तक आप कोई भी चीज़ प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं बट हाँ आप अब ऑब्जर्व करके थोड़ा अर्ली चीज़ें जो है वो पता लगा सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और भी सिम्टम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मैं और भी वीडियोज़ इस टाइप के बनाऊँगी और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर